खबर इंदौर से है, जहां चंदन नगर इलाके में एक माह पहले हुई चाकूबाजी में घायल फैक्ट्री कर्मचारी ने बुधवार शाम दम तोड़ दिया है। उसे दोस्त ने पार्टी मनाने के बाद आपसी विवाद में चाकू मार दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया था। एमबाय अस्पताल में कुछ दिन उपचार के बाद परिवार कर्मचारी को घर ले आया था। बुधवार दोपहर में उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, इसके बाद परिजन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस गुरुवार को कर्मचारी का पोस्टमार्टम कराएगी। टीआई अभय नीमा के मुताबिक घटना 10 मई की है। राम बलराम नगर में रहने वाले उमेश उम्र 32 वर्ष पुत्र भाव सिंह बरेला पर दोस्त वर सिंह बरेला ने चाकू से हमला कर दिया था। परिजनों ने उमेश को अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं वर सिंह पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। 25 मई को डॉक्टरों ने उमेश को छुट्टी दे दी थी। बुधवार दोपहर उसे झटके आने लगे। परिजन उसे फिर से एम्बॉय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वर सिंह पहले से जेल में है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी वर सिंह और मृतक उमेश दोनों दोस्त हैं। दोनों सतवास इलाके के रहने वाले हैं। उमेश के परिवार में उसकी दो बेटी और एक बेटा व पत्नी प्रमिला है। वह अपने परिवार के साथ 2 साल पहले काम करने इंदौर आया था। उसका इलाज एमवाई अस्पताल में हुआ। इलाज के उपरांत ठीक हो गया था और ठीक होने के उपरांत अपने घर आ गया था। घर में कुछ दिन से था, लेकिन आज अचानक कुछ तबीयत बिगड़ी उसकी और उसकी डेथ हो गई है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।